आप वीडियो बना रही बात करो क्या वीडियो बना रही क्यों नहीं वीडियो बनाओ 48 आवर से ऊपर हो चुका मेडिकल कराया सो वेलकम बैक अगेन मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसीन और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस तरह से जो इस लड़की ने वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही वायरल हो चुका है काफी लोगों ने इसको देख लिया होगा आपने भी देखा ही होगा इसमें ये लड़की पुलिस वालों पर ये एलिगेशन लगा रही है आरोप लगा रही है कि उसका अभी तक मेडिकल नहीं करवाया गया है 48 घंटे हो चुके हैं और वो इन पुलिस ऑफिसर्स की पुलिस थाने में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आया होगा कि क्या पुलिस वालों का पुलिस स्टेशन में ही वीडियो बनाना रिकॉर्डिंग करना सेफ है, क्या ये इलीगल तो नहीं है। इसका हमें जवाब मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 बेसिकली बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में और इसे राइट टू लाइफ और लिबर्टी से निकलकर एक और फ्रेज आता है जिसका नाम है राइट टू प्राइवेसी। हर एक व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी का, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने का फंडामेंटल राइट हर एक व्यक्ति के पास, चाहे वो पब्लिक ऑफिसर हो चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो। अपने प्राइवेट स्पेस में अपने जो है काम को लेकर हर एक व्यक्ति के पास एक फंडामेंटल राइट है जिसको हम बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। उसको मेंटेन करना हर दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे पब्लिक सर्वेंट हो चाहे प्राइवेट आदमी हो, अगर उसकी आप वीडियोस बना रहे हैं तो वहाँ पर उसके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मतलब कि आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। आप किसी भी व्यक्ति की परमिशन के बिना उसका वीडियो नहीं बना सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो चाहे वो पब्लिक ऑफिसर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको कि किसी का भी वीडियो बनाना सेफ नहीं है, किसी का भी वीडियो बनाना लीगल नहीं है। अगर उसका कंसेंट है तो आप आराम से वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंसेंट नहीं है फिर भी आप वीडियो बना रहे हो तो दैट इज़ इलीगल वर्क। बट अब यहाँ पर समझना ये है कि क्या किसी पब्लिक ऑफिसर का भी आप वीडियो बिना उसके कंसेंट के बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छा केस है वो समझना पड़ेगा। केस का नाम है के पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में जस्टिस नरिमन ने बहुत ही साफ साफ तरीके से कैटेगोरिकली डिफाइन किया कि देखिए कि हालांकि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करना एक क्रिमिनल एक्ट है और इसके लिए आपको सू किया जा सकता है, इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन किसी भी पब्लिक पर्सन का ऑन ड्यूटी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए अगर आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ये जो है उसके राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन नहीं है, क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है ना कि कोई अपना पर्सनल काम कर रहा है। तो ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है और आपको एविडेंस क्रिएट करना है उसके खिलाफ, आपको उसके खिलाफ एविडेंस बनाना है या एविडेंस रिकॉर्ड करना है, तो आप उसके वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 21 का वॉयलेशन नहीं होगा, उसके राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा, एक एक्ट है जिसका नाम है द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इसमें जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 है वो कहता है कि देखो जो प्रोहिबिटेड एरियाज हैं जो प्रोहिबिटेड प्लेस हैं आप वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेवी एरियाज़ हैं, जो आर्मी के एरियाज़ हैं, जो बेस कैंप्स हैं, या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ऑफिशियल गैजेट्स रखे हुए हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर किसी की भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो प्रोहिबिटेड एरिया है प्रतिबंधित एरिया है। आप ऐसी जगह पर जाकर कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, किसी भी पब्लिक ऑफिसर की भी आप रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि क्या पुलिस स्टेशन प्रोहिबिटेड एरिया है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अकॉर्डिंगली पुलिस स्टेशन जो है वो प्रोहिबिटेड प्लेस नहीं है। यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, किसी भी पुलिस ऑफिसर की आप वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर है तब आप उसकी रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उसके खिलाफ एविडेंस क्रिएट करना है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, तो आप उसकी आराम से जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हम दो बातें और समझेंगे जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने और मुंबई हाई कोर्ट ने बोला है। पहले मुंबई हाई कोर्ट ने क्या बोला है समझो। मुंबई हाई कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को लेकर साफ साफ सीधी सी बात बोली, अगर कोई भी व्यक्ति उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है उनकी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान ऑफिशियल काम करते हुए उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो इस दौरान उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं करेगी पुलिस। ये बिल्कुल साफ साफ क्लियर कट जो है
हाईकोर्ट ने बोला था। और इसके साथ ही साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके फ़ोन को वो स्नैच नहीं करेगा, उसके फ़ोन को वो छीनेगा नहीं। उसकी अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो होने दो, आप उसके फ़ोन को स्नैच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसा कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बोला था। अब इसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक और समझ लो, जो केरला स्टेट गवर्नमेंट है उसने केरला पुलिस एक्ट में साफ साफ ये लिख भी दिया, एक सेक्शन बना दिया सेक्शन 33 सब क्लॉज 2, और उस सेक्शन में ये साफ साफ लिखा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को नहीं रोकेगा अगर वह व्यक्ति कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो उसकी रिकॉर्डिंग अगर कर रहा है, अगर पुलिस ऑफिसर की रिकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको रोकेगा नहीं। और इसी बात को लेकर मुंबई के DGP ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था ये भी सुन लो आप। त्यांचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बंदी नाही आहे, पारदर्शक पण आणण्याची दृष्टिकोनातून ज्यांना पोलिसांचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करायचे ते करू शकतात। अब इतनी सारी बातों को जानकर एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप पुलिस ऑफिसर के खिलाफ अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई एविडेंस प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप उनकी ऑफिशियल ड्यूटी के समय ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं आप आराम से बेझिझक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 186 कहता है कि अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट की ऑफिशियल ड्यूटी के समय, ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय अगर आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, आप अगर कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर नहीं कर पा रहा है, फिर यहाँ पर आप एक इलीगल एक्ट कर रहे हैं जिसके लिए आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। और इसके साथ ही साथ अगर आप उस पुलिस ऑफिसर को या पब्लिक ऑफिसर को डराते धमकाते हैं तो यहाँ पर आपके खिलाफ सेक्शन 353 में भी FIR दर्ज हो सकती है। तो इस तरह से आपको इन दोनों सेक्शंस को भी ध्यान में रखना है, ना ही आपको जो है उस पब्लिक ऑफिसर की या पुलिस ऑफिसर की ऑफिशियल ड्यूटी में कोई बाधा उत्पन्न करनी है, ना ही उसको डराना धमकाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन दोनों धाराओं में आपको बुक भी किया जा सकता है, आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है। सो आई होप अब आपको बेसिकली यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किसी भी पुलिस ऑफिसर या किसी भी पब्लिक सर्वेंट की आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग या किसी भी माध्यम से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ये इलीगल नहीं है। लेकिन अगर उसकी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में आप बाधा उत्पन्न करते हैं या उसको डराते धमकाते हैं, उसको असॉल्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये इलीगल है जो आपको नहीं करना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।